हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनबॉक्सिंग विद विष्णु। तो आज हमारे पास है ये बेबी क्रैडल, जिसे हम लोग आज किस तरह से इसको फिट किया जाता है उसके बारे में बताएंगे, और इजी वे में आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, किस तरह से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास है पालना झूला, तो इसको हम लोग पहले अनबॉक्स करते हैं। तो ये देखिए, ये देखिए देखने में काफी खूबसूरत है ये पालना झूला। इसको खोलते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये हम लोग इसको खोल चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंड को किस तरह से फिक्स करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, स्टैंड को फिक्स करने के लिए आपको सिंपली जो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको ये देखिए, ये पट्टी दिख रही होगी, दोनों साइड में होती है, इधर भी और उधर। इसको आपको पहले ऐसे फैलाना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको स्क्रू दिख रहा होगा, तो इस स्क्रू को आपको खोल लेना है। और ये देखिए, इसको ऐसे और इस पत्ती को ऐसे लीजिए, ये देखिए, इसको ऐसे फिट कर देना है और इसको यहां से स्क्रू को टाइट कर देना है। ये देखिए, टाइट हो गया। सेम काम आपको यहां भी करना है इस तरीके से। यहां पे देखिए, तो ये देखिए, तो इसको भी आपको यहाँ से इस तरह से खोल लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे ऐसे कस लेना है। तो ये देखिए, ये हमारा स्टैंड बनके तैयार हो चुका है। तो हम झूले को किस तरह से फिक्स करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं आपको। ये देखिए, ये जो आपको ये स्क्रू दिख रहा है, इसको इसमें अंदर की तरफ फिक्स कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, सिंपली आपको इसको अंदर की तरफ ऐसे डाल देना है। ये देखिए, इस स्क्रू को यहाँ पे ऐसे कस दीजिए, इसी तरह आपको ये नीचे वाले को भी कस देना है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये कस आ गया। और अब ये देखिए, आपका झूला तैयार हो चुका है। आराम से बच्चे को आप टहला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये स्टैंड को भी कसना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये स्क्रू दिया है। सिंपली आपको इस स्टैंड को भी यहाँ से ऐसे कस सकते हैं। ये देखिए, स्टैंड भी कसा गया। अब देखिए, आप आराम से बच्चे को टहलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से भी दिया रहता है, आपको इधर से भी कस लेना है। ये देखिए, पूरा फिट है ये झूला। अब अगर आपको इसको हैंग करना है, तो ये देखिए, सिंपली यहाँ से इसको उसको निकाल देंगे और आप यहाँ से इसका चैन यहाँ लगा देंगे और एक चैन यहाँ लगा देंगे। ये देखिए, आप इसको बच्चे को झुला सकते हैं। अब मैं बात कर लूँ तो इसमें आपको तीनों चीज मिल जाती है। आपको स्टैंड झूला मिल जाता है, जहाँ आप कहीं भी चाहें तो वहाँ इसको फिट कर सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। और सेकेंड चीज, आपको इसमें आपको व्हील भी मिल जाता है, जिससे बच्चे को आप टहला सकते हैं। और थर्ड चीज, इसमें आपको मॉस्किटो नेट मिल जाते हैं, जो बच्चों को कवर करते हैं, मच्छरों से बचाते हैं।
बाकी आप ये देख सकते हैं, इसमें सुलाने के पहले आपको एक बेडशीट यहाँ पर लगानी होगी। यहाँ पे अब ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक बेडशीट आपको इस ऑप्शन पे लगाना होगा। तो इस तरह से आप झूले को फिट कर सकते हैं। और आपको झूले को अगर फोल्ड करना है तो सिंपली यहाँ से उसको हटाना है और इसके स्क्रू को ऐसे खोल देना है। ये देखिए, ये स्क्रू खुल जाएगा और इस स्क्रू को भी इसी तरह से ऐसे खोल लेना। ये देखिए ऐसे और ऐसे, ये देखिए ऐसे और ऐसे इसको खोल लेना है। ऐसे इसको फिट कर हो जाएगा ये, और स्टैंड को भी आप लोग यहाँ से इसको खोल लेंगे और यहाँ से ये भी आपका फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आप फोल्ड कर सकते हैं और किस तरह से आप लगा सकते हैं, इस दोनों चीज मैंने आपको बता दी। तो चलिए, मैं आई होप कि आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये झूला लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं।